हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए कसाटा की रेसिपी लाई हूँ। इस कलरफुल रेसिपी को इस दीपावली में ज़रूर बनाइए। इसे बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं और बस केवल 3 इंग्रेडिएंट्स। चलिए देखते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले मैंने 250 ml दूध लिया है और दूध को मैं थोड़ा गर्म करने के लिए रख दूँगी। मैंने सिंपल पैकेट वाला दूध लिया है, कार्टन वाला फुल क्रीम दूध है, और उसे लेके मैं अच्छी तरह से बॉयल करूँगी। पहले जब दूध बॉयल हो जाएंगे फिर मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाऊँगी। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और अब देखिए, मैंने इसमें 250 ml दूध में मैंने 1/2 कप चीनी डाला है। एकदम मेजरमेंट के हिसाब से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसको मैं बॉयल होने दूंगी। अभी भी आप चाहें तो इसे मिल्कमेड से भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्कमेड को बाहर से लाना और ये सब चीज़ें तो घर में रहती हैं। और अब इसमें मैंने 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं सबों को अच्छी तरह से हिलाते हुए चलाते हुए पकाऊंगी। दोस्तों मैंने 250 ml दूध लिया था, थोड़ा सा उसे गाढ़ा किया, उसके बाद मैंने उसमें 1/2 कप चीनी डाली है और अब मैंने इसमें लगभग 200 ग्राम मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। और अब सबों को डाल के हमें अच्छी तरह से इसे गाढ़ा करना है जब तक ये हमारे मिश्रण कढ़ाई न छोड़ने लगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप दिवाली के दिन 15 मिनट पहले बनाइए और भगवान को भोग लगाइए। घर की बनी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, इसमें हमें कोई घी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि हमारे नारियल में ऑलरेडी ऑयल होते हैं। और देखिए, इसी तरह से मैं इसे अच्छी तरह से भूनते जाऊंगी और जिससे कि इसकी पानी गाढ़ी होते जाए और ये एकदम ठीक होके कढ़ाई छोड़ने लगे। और अब देखिए, मैंने दिखाया है, अगर इसे आप प्लेट में डाल रहे हैं और उल्टा करने के बाद नहीं गिरता है तो इसका मतलब कि हमारी जो गति है नारियल वाली डिश है सो तैयार हो गई है। अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसमें 3 फूड कलर में डाल दूंगी। दोस्तों मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, साथ ही में मैंने ग्रीन डाला है और इसके बाद मैंने रेड डाला है, मैंने इमल्सन डाला है। फूड कलर भी तो इमल्सन। अब मैं इसे एक एल्युमिनियम फॉइल में थोड़ा सा तेल लगा के उसे भी रख दूंगी और नीचे में भी मैंने बॉयल में तेल लगा लिया है जिससे कि हमारी एल्युमिनियम फॉइल उसमें चिपकी रहे। लेकिन ठंडा करने के लिए मैंने फ़ैन चला दिया था जिसके चलते ये उड़ने लगे थे। बहुत ही गर्म है फ्रेंड, थोड़ा संभल के कीजिएगा। मेरे भी हाथ जलने लगे थे तो मैंने फिर हाथ से मिलाया नहीं, फिर मैंने फोर्क के सहायता से मिलाया है। हमें इसे अच्छी तरह से एक एक करके तीनों को मिला लेना है और मिला लेने के बाद मैं इसे अपने एल्युमिनियम फॉइल में स्प्रेड करते जाऊंगी फ्रेंड्स। और जब तीनों स्प्रेड हो जाएंगे तो मैं इसे या तो बर्फ़ी के शक्ल में काट दूंगी और या फिर मैंने इस तरह से देखिए किया है, इसे भी काट सकते हैं। लेकिन इसे काटने के लिए हमें इसे लगभग 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना पड़ता, तो इसलिए मैंने इस तरह से बना के लड्डू बना के आप लोगों को दिखा दिया है। ये कलरफुल लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसे मैंने कसाटा का नाम दिया है, वाकई उसी तरह से लगते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस नारियल कसाटा को ज़रूर बनाइए और बहुत ही आपको अच्छी लगेगी, परिवार वालों को अच्छी लगेगी, भगवान जी को भोग लगाइए, भगवान जी को अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। एकदम कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव भी है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा। और अब मैं मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय।